हेलो गाइस, तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर आप सभी को जो दिया गया है उसमें काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं IBPS क्लर्क 12 के प्री के रिजल्ट के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो रिजल्ट जो है अभी फिलहाल में ऑफिसर स्केल 1 RRB ऑफिसर स्केल 1 एंड RRB क्लर्क के रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आपको चेक करना है तो CRP RRB पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस रीजनल रूरल बैंक फेज 11 के लिए जो रिजल्ट है उन्हें पब्लिश कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप चेक कर पाओगे आपके रिजल्ट का स्टेटस एंड आपका स्कोर भी आप चेक कर पाओगे CRP RRB 11 के लिए, यानी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए। अभी हम लोग बात कर लेते हैं CRP क्लर्क 12 की। तो आप सभी को मैं बता दूं CRP क्लरिकल का रिजल्ट अगर आपको चेक करना होगा तो CRP क्लरिकल पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि आपने कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्लरिकल यानी क्लर्क 12 के लिए आपने अप्लाई किया हो। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर क्लरिकल का 12 यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में एक वेबसाइट यहाँ पर आपको ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। आप सभी को मैं बता दूं कि आपका जो क्लर्क का एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था September 3 and September 9 को, यानी 3 September and 9 September को आपका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया गया था। एंड आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है उसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है। एंड जो कैंडिडेट IBPS क्लर्क प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर जाएंगे उन कैंडिडेट का जो मेन्स एग्जामिनेशन होगा वो October 8, 2022 को होगा। अभी हम लोग आ जाते हैं रिजल्ट के बारे में। तो IBPS क्लर्क का जो रिजल्ट है प्री का वो आपको आने वाले कुछ दिनों में यानी 3 से 4 दिन में ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पर आपको एक लिंक देखने को मिलेगी। इसके अलावा होम पेज पर भी आपको स्क्रॉल होते हुए जो लिंक देखने को मिल रही है न्यू करके, यहाँ पर भी आपको लिंक दी जाएगी। अभी काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर आप अपना रिजल्ट चेक करोगे तो आपको जो है इनकरेक्ट क्रेडेंशियल यहाँ पर दिखाएगा, क्योंकि आप गलत जगह आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड इंटर कर रहे हो। इसके अलावा काफ़ी सारे कैंडिडेट अपना स्कोर यहाँ पर चेक करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर आपका स्कोर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए यानी CRP RRB 11 के लिए आपने अप्लाई किए हो CRP RRB 12 के लिए। तो आपको इन दोनों बातों के ऊपर ध्यान देना है। आपने इन दोनों पोस्ट के लिए अगर अप्लाई किए हो, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किए हो उसी पोस्ट के लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। IBPS क्लरिकल के लिए आपको यहां पर CRP क्लरिकल दिखेगा, यहां पर क्लिक करना होगा। देन यहां पर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर क्लरिकल का 12 यहां पर क्लिक करना होगा। एंड देन यहां पर आपको एक लिंक जनरेट होगी आने वाले 2 से 3 दिनों में, तब आप अपना रिजल्ट स्टेटस यहां पर आप चेक कर पाओगे आपने क्वालिफाई किया है एग्जामिनेशन या नहीं, वो आपको ओनली स्टेटस दिखेगा। एंड उसके 4 से 5 दिनों बाद आपको आपका स्कोर जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा IBPS क्लर्क 12 का। इसके अलावा जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा 8 अक्टूबर 2022 को, तो यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। आपने IBPS क्लर्क 12 के लिए अप्लाई किए हो, सबसे पहले आपको आपका एडमिट कार्ड जो है वो चेक कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जरूर से जाना है। अगर आपको तब भी कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपको मुझे पर्सनली व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना है अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है रिजल्ट अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक कर इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।